फाइव क्लास ओपन जो मैथ्स बुक्स पेज नंबर वन जीरो फाइव अभी मैं आपको बताऊंगी कि ईयर्स को ईयर्स में टोटल होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज ठीक है अगर ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्री सिक्सटी फाइव से लेकिन अगर डेज को ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं थ्री सिक्सटी फाइव पे फिर डेज़ फिर डेज में होते हैं ट्वेंटी फोर एक दिन में ठीक है एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं अगर अपने डेज़ को आर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेंटी फोर से क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं और अगर लेकिन आर्स को हमने डेज़ में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फोर पर इसके बाद ईयर्स को अगर वीक में करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं फिफ्टी टू से और अगर वीक को ईयर में करना है तो डिवाइड करते हैं फिफ्टी टू पर वीक को अगर डेज़ में कन्वर्ट करना है तो एक हफ्ते में सात दिन होते हैं तो आप मल्टीप्लाई करवाते हो सेवन से लेकिन अगर डेज़ को कन्वर्ट करना होता है वीक में बड़े वाले नंबर में तो आप उसको डिवाइड करवाते हो सेवन पे ठीक है इसी तरह ईयर्स को अगर मंथ्स में कन्वर्ट कराना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेल्व से क्योंकि एक साल में बारह महीने होते हैं तो जब हमने ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ट्वेल्थ से लेकिन अगर मंथ्स को ईयर में करना होता है तो हम ट्वेल्व से डिवाइड करवाते हैं अभी आपका एक्सरसाइज नंबर फाइव पॉइंट टू आपका एक्सरसाइज नंबर फाइव डी है पेज नंबर वन और सेवन पे यहाँ पर क्वेश्चन मैं फोर है चेंज द गिवन इन इनटू मंथ्स आपने ये ईयर्स को चेंज करना है मंथ्स में ये क्वेश्चन मैं फोर जो है इसके दोनों पार्ट्स आपने होमवर्क में करना है बस इतना ही आपको होमवर्क है और ये चीज़ याद करनी है जो ईयर्स में कितने डेज होते हैं और कितने मंथ्स होते हैं वो चीज़ें आपने याद करनी है इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपका थर्टीन ईयर्यर्यस थर्टीन ईयर्स को आपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे मैं आपको आप कॉपी पे स्टार्ट करोगे लिखना ठीक है नाउ स्टार्ट आपने कॉपी पे यूनिट नंबर भी लिखना है एक्साइज नंबर भी लिखना है पेज नंबर भी लिखना फिर क्वेश्चन लिखना है चेंज द गिवन ईयर्स इं टू मंथ्स इसके बाद पहला क्वेश्चन आपके पास थर्टीन ईयर्स अब आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे जो आपके पास क्वेश्चन है थर्टीन ईयर्स मैंने लिख दिया थर्टीन ईयर्स उसके बाद आप यहाँ पे बताओगे कि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं आपने ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है ना फिर आप बताओगे वन ईयर इक्वल ट्वेल्व मंथ्स के एक से एक साल में टोटल बारह महीने होते हैं ठीक है हमने बारह महीने होते हैं तो अब हमने ईयर से जाना है मंथ्स uh, की तरफ तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे थर्टीन और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ट्वेल्थ के साथ आपने मल्टीप्लिकेशन जो है ट्वेल्थ थर्टीन ईयर्स है टोटल और ट्वेल्थ जो है वो मंथ है आपने मंथ में कन्वर्ट करना है इसलिए आप इसको थर्टीन ईयर्स को ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करवाओगे और मल्टीप्लाई करने के लिए आपने वर्किंग यूज़ करनी है वर्किंग साइड थर्टीन को ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करना है टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री सिक्स टू इंटू वन टू फर्स्ट क्रॉस वन इंटू थ्री थ्री वन इंटू वन वन इसके बाद यहाँ पे आप प्लस करते हो इनको सिक्स एज इट इज आ गया टू प्लस थ्री फाइव वन एज इट इज आ गया तो आपके पास आ गया वन फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे आंसर में आप लिखोगे वन फिफ्टी सिक्स और आपने मंथ में कन्वर्ट किया तो इसके साथ आप लिखोगे मंथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने खुद करना है और ये दोनों क्वेश्चन कॉपी पे करने हैं और ये आपका आंसर ओके ठीक है